section is this? This is the Aramgarh circle. So from here any Andhra going buses like Karnool, Tirupati, or if it is going to towards Bangalore. So this is Bangalore highway basically. सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं हैदराबाद से तिरुपति और हम सफारी कर रहे हैं बहुत ही सुंदर बस से, और हमारे साथीदार भी आ गए। राजेश वेलकम, राइट ऑन टाइम। हाय हाय हाय। लाहारी बस ఇది నిజామాబాద్ నుండి తిరుపతి బయలుదేరు, సర్వీస్ నంబర్ 7694. ఓకే. ఫస్ట్ స్లీపర్ వచ్చేసి 2360 రూపాయలు, హైదరాబాద్ నుండి 1800, సిట్టింగ్ 1350 రూపాయలు. అండ్ హౌ లాంగ్ అండ్ హౌ మచ్ టైం డస్ ఇట్ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్ టు తిరుపతి? సాయంత్రం 7 గంటలకు బయలుదేరుతుంది ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ నుండి, పొద్దున 6 గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటా. 6 in the morning. అండ్ రాత్ మే డిన్నర్ కి లియే హాల్ట్ కరేగా? ఓ యాస్ 9 బజే ఆప్కు హాల్ట్ హోగా, 9 గంటలకు భోజనము చెక్కర్ల బస్ స్టాండ్. ఓకే ఓకే, థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ఇంట్రొడక్షన్. థాంక్యూ థాంక్యూ. చలి అందర్ చల్తే స్నాక్స్ అండ్ ఫుడ్ కి జో షాప్ హై 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 మతలబ్ ఐసా లగ్తా హై కి हर एक शॉप में से जाके कुछ ना कुछ खाना हम ले लें। ऑफ कोर्स का भाई पूरी है तो खाना तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे हैदराबाद के मोस्ट पॉपुलर एमजी बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कुछ साथीदार खड़े हैं जो कि यहाँ पे रिक्शा ऑटो वगैरह चलाते। तो क्या है, यहाँ से अगर हमको 4 मिनट जाना तो कितना पैसा होता? ऑटो का सेपरेट आप करेंगे तो 120 रुपया एक्स्ट्रा रहेगा, तो 150। एक्स्ट्रा मतलब क्या? 4 आदमी रहे या 5 आदमी रहे तो 150। बराबर, नॉर्मली 3 आदमी है तो 100 या 120। और कितना दूर है यहाँ से 4 मिनट? यहाँ से 3.5 किलोमीटर। और हैदराबाद डेक्कन नामोपल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ से वो पड़ेगा आपको 3 किलोमीटर, अराउंड 3। मतलब मेट्रो स्टेशन है, यूजफुल है, बट अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो डेफिनेटली आपको ऑटो विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और आपके टाइमिंग्स है, मतलब रात को काफी बसेज रात को भी लेट नहीं आती है तो आपको 24 आवर्स ऑटो मिलेगा। 24 आवर्स ऑटो मिलेगा। अच्छा, आपके बस स्टैंड है कभी भी रात में अवेलेबल रहेगा ऑटो। ओके, और लेट से ये 4 मिनट और बाकी सब पब्लिक प्लेसेस लोकल प्लेसेस कहाँ कहाँ आप ऑटो देखने के लिए? साइट सीइंग के प्लेसेस क्या क्या है यहाँ पे? 12 से 15 प्लेसेस है। थोड़ा नाम बताइए हमारे दर्शकों को। चार मीनार है, सालारजंग म्यूजियम है, चौमाला पैलेस है, गोलकुंडा फोर्ट है, सेवन टॉम्स है, आदित्य बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल है, और मक्का मस्जिद है, और निजाम जो है सो म्यूजियम है, और अपना जो है सो स्नो वर्ल्ड है, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। उसके लिए सेपरेट दिन लगेगा, सेपरेट एक दिन लगता है पूरा, चार्ज भी अलग लगता है, चार्ज भी अलग लगता है। हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर वो कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर, अराउंड 7 किलोमीटर तक। तो और स्नैक्स वगैरह की यहाँ पे देखिए शॉप भी है यहाँ पे, ये भी 24/7 ये सब। ये देखिए यहाँ पे, ये हैदराबाद की एक चीज भाई साहब मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि खाना पीना स्नैक्स वगैरह चाय पानी यहाँ पे आपको 24 घंटा मिलेगा। यहाँ पर बिरयानी के लिए कौन सा? शादा होटल बहुत फेमस है बिरयानी के लिए, जैसे कि भाई साहब ने हमको बताया। कराची बेकरी तो हम सभी ही जानते, बट ये है बेसिकली यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द मेट्रो स्टेशन। अभी मैं अंदर चलता हूँ, हमारी बस का आपको डिपार्चर भी दिखाऊंगा और अंदर से मैं आपको पूरा एमजी बस स्टेशन का इंटीरियर भी बताऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे राइट टिकट सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, राइट इन द सेंटर। इन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे सब दिखेंगे प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 25 ऑल द वे टू 40 एंड देन 40 to 79। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ओवर हियर आर 79। एंड वंस यू एंटर फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, ये पूरी फर्स्ट लाइन आपको दिखेगी यहाँ पे, एज यू कैन सी इन द बैक वे फ्रॉम जहाँ से मैं अभी आया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेटफॉर्म नंबर 23। बहुत ही यूज है ये बस स्टेशन, वंस अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवर हियर इन हैदराबाद। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी है कि इट इज़ सो नीट एंड क्लीन। देखिए आप कितना क्लीन रखा है प्लेटफॉर्म यहाँ पे, पूरा जो वॉकवे है, इतने सारे लोग आप इमेजिन करिए इतने हैं, बट फिर भी कितना नीट एंड क्लीन है। बट यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये स्नैक्स की शॉप, प्लस ये देखिए यहाँ पे शूज़, बैकपैक्स एंड काफ़ी सारे और एक्सेसरीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखिए और एक है ये मेघना बेकरी करके,
ऊपर तक उन लोगों ने स्नैक्स लगाए जहाँ तक आपका हाथ भी नहीं पहुँचेगा, बट आपकी नज़र ज़रूर पहुँचेगी। चलिए आगे चल के कुछ खाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमको अच्छी लग रही है नंदिनी कैफेटेरिया। चले यहाँ पे अंदर आते हैं और यहाँ से हम बेसिकली डोसा ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए, जस्ट अभी हमने यहाँ पे ये डोसा ऑर्डर किया है, 70 रुपीज़ एक डोसा। ठीक है, बूंदा वड़ा और ये इनका बेसिकली कैफेटेरिया एरिया है और यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं, वेरी नीट एंड क्लीन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे नंदिनी रेस्टोरेंट के बाहर चाय एंड कॉफी शॉप की प्लेस है। हमने यहाँ पे गर्मा गर्म हमारे लिए ईरानी चाय, नॉर्मल है बट बहुत ही टेस्टी है। चलिए एक बार इसको फटाफट टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो बहुत ही गर्म है ये, रेडी, एकदम कड़क है। आप लोग जो दूध उबालते हैं बहुत मजा आता है वो उबालने के दूध में, और जो इनकी चाय पत्ती है बहुत स्ट्रांग रहती है। देखिए यहाँ पे ये रही। तो ये देखिए हमारा डोसा तैयार हो गया है विद सांबर एंड चटनी। चलिए इसको खाते और टेस्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, डोसा हमारा यहाँ पे लग गया है और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी लेयर है, एकदम अच्छे से इन लोगों ने ये बनाया हुआ है। और थोड़ा सा हम इसको कोकोनट चटनी के साथ खाएंगे। तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, सांभर A1 है बॉस, एकदम अमेजिंग, एकदम कड़क। एंड द नेम, फर्स्ट नेम लाहरी है। निजामबाद से तिरुपति गाड़ी जा रहा है यहाँ, सीटर कम स्लीपर है अपना। ये गाड़ी में टिकट यहाँ से स्लीपर 1800 रुपये रहेगा और बैठने का है तो 1350 रुपये। तो ये है हमारी प्यारी सी TSRTC की बस और नीचे है सिटिंग एरिया और ऊपर है हमारा स्लीपर स्लीपिंग विच इज नंबर 7 and 8। दिस सर्कल इज कॉल्ड द आरामगर सर्किल। सो फ्रॉम हियर द शमशाबाद एयरपोर्ट जोन विल स्टार्ट। सो यू कैन सी अ फ्लाइट, देयर इज अ फ्लाइट, यस, इट्स अ लिटिल डार्क, इट्स नॉट विजिबल। सो दिस इज अ फ्लाईओवर व्हिच विल एंड अप हियर, इट इज कॉल्ड द PVNR Express Highway. So from here now we are on the Express Highway? Yes, we are just beside the Express Highway. If you get down to this Express Highway, we will get down at Mehdipattam directly. Okay. So it's a flyover which was laid for airport purpose. Okay. Got it. So in order to catch the airplanes. For the flight towards the airport. So it's important that we should avoid the traffic. So only 4-wheelers are allowed on this flyover. और ये राजेश, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये फ्रीवे एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज अ सर्किल फॉर आरामगढ़। सो हियर आरामगढ़, ओके, गॉट इट। सो यहां पे आराम नहीं करते ना राजेश? नहीं, तो अभी तो कोई आराम नहीं कर रहे यहां पे, बट द थिंग इज दिस इज आल्सो द प्लेस वेयर द इनर रिंग रोड विल एंड। अच्छा, इनर रिंग रोड, दिस इज अ जंक्शन ऑफ द इनर रिंग रोड। ओके, गॉट इट। सो देयर इज अ नेहरू आउटर रिंग रोड एंड दिस इज द इनर रिंग रोड। सो एंड द इंटरसेक्शन इज, या इस आरामगढ़ सर्किल इज वन ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरेस्टिंग। सो देखिए, ये हमको ये जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। थैंक यू राजेश फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो व्हाटएवर व्हीकल्स यू आर सीइंग, दोस दैट लाइन इज नथिंग बट द इनर रिंग रोड। वी आर आल्सो ऑन द इनर रिंग रोड इटसेल्फ। एंड एज राजेश सेड, ये देखिए यहां पे बहुत सारी, आपको ये देखिए यहां पे ये बसेस खड़ी है। दीस आर ऑल राजेश मोस्टली गोइंग टुवर्ड्स बैंगलोर एंड कर्नूल। वाया कर्नूल दे आर गोइंग टू बैंगलोर। ओके, anyone who is an IT employee or family staying in Bangalore working there, yeah, on a hybrid mode, just come here and and it's a night bus, I believe it's a 10 to 12 hours journey from, yeah, Hyderabad. And you can see some private vehicles also, cars, yeah, and all will ye dekhiye yahan pe hum aapko sabhi buses dikha rahe hain. ye major junction hai jaisa ki Rajesh ji ne abhi humko bataya aur ye hamari first journey hai yahan pe from Hyderabad to Tirupati in the evening or night bus keh sakte hain aap. Thank you Rajesh ji. Yeah, here you can see the board, PVNR Airport. Okay, there you go, perfect. Yeah, this is how you can see. Excellent guide Rajesh, you are, yeah, an excellent guide. This is the upcoming city for Hyderabad, Shadnagar. You know Hyderabad, you know Sikandarabad. Sikandarabad, yes. This is the third city which is going to come up in future. Kya baat hai, dekhiye bhai sahab, so beautiful. Matlab hum log Mumbai language mein ye sabko dhaba bolte hai, street side dhaba. Just very similar to that. Food is very nice. Food is very nice. Hmm. Aapko रोड वर्ड कनेक्टिविटी एयरपोर्ट का नजदीक है, सारे चीज़ अच्छे हैं यहाँ पर। दैट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर सिटी।
ऑफ हैदराबाद. ओके अच्छा बड़ा थैंक यू सर. देयर आर सम वी हैव अ स्मॉल शॉर्ट ब्रेक हियर. शॉर्ट ब्रेक हियर ओके. एंड व्हिच इज द टाउन दिस राजेश? दिस इज जेडचेला. ओके नेक्स्ट टाउन टू अदर सिटी हैदराबाद. सिटी हैदराबाद ओके. सो वी हैव सीन टिल शादनगर द सिटी इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड. नेक्स्ट टू द सिटी हैदराबाद सिटी इज दिस टाउन कॉल्ड जेडचेला. ओके कैन यू स्पेल इट फॉर अस? जे ए डी सी एच ई आर एल ए जेडचेला. And this is still in the Hyderabad? It's just out of the Hyderabad zone. Outside of Hyderabad. Yeah, outside of Hyderabad. Uh-huh. So, as I told, Shadnagar, Shadnagar will be the end of the city. Yeah. But this is the next nearest town. So. Okay. So, this is once again we are going to the government ST station, bus station stop, yes, right? Bus station of Jakshala. I think there will be a short break. Short break, 5-10 minutes here. तो यहाँ पे हम आ गए हैं यज्ञेश विराट फूड कोर्ट. ये है इसका मेन्यू. यहाँ पे आपको ऑर्डर देना है. एंड ये रहा बेसिकली यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट एरिया. और ये हमको यहाँ पे रिसिप्ट मिलेगी. देखिए ये भाई साहब हमको रिसिप्ट मिल गई है. तो हमने यहाँ पे लिया है थाली जो कि यहाँ पे हमको मिलेगी ओवर ईयर. तो दीजिए भाई साहब क्या है हमारी थाली बताइए जरा. ये है छोले. इधर आना